हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 12th केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजी जो यौगिक चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो था वो हमने समावयवता के बारे में पढ़ा था। समावयवता टॉपिक हमने क्या बताया कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक करते हैं आपकी वो संरचनात्मक समावयवता और दूसरी हम लोगों की कौन सी त्रिविमर समावयवता। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता में हम लोगों ने 5-6 प्रकार पढ़ लिए थे, लिगेंड, उपसंयोजक और आयनन, हाइड्रेट, ये सारे समावयवता। ठीक है, लगभग देखना क्वेश्चन भी इन्हीं में से पूछे जाएंगे, आपके लिगेंड आइसोमेरिज्म कैसे होती है ना, और आपके आयनन समावयवता। सबसे ज्यादा देखो आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता और लिगेंड समावयवता, जिसमें आयनन और हाइड्रेट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आते वो भी इन्हीं पे आते हैं। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो आपका शुरू होता था वो त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन में हम लोगों ने क्या बताया, 3D अरेंजमेंट में उसकी जो समावयवता, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र समान हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि संरचना सूत्र अगर भिन्न भिन्न होता है तो वो क्या दिखाते हैं, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में भी हम लोगों ने दो टाइप पढ़े थे, एक तो ज्यामिति समावयवता, एक प्रकाशिक समावयवता। ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म थे उसको हमने GI बोला था। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि GI कौन कौन प्रदर्शित करते, ओनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। और कौन से कैसे करते हैं, वो सिस या ट्रांसफॉर्म में। सिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर जो हमारे जो मेटल के सेम लिगेंड एक साइड में प्रेजेंट होंगे तो वो सिस, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट ट्रांसपोजिशन पे, एक दूसरे के 180 पे है तो वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांस। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो हमने सबसे पहले वर्गाकार समतलीय यौगिक में पढ़ा था। तो वर्गाकार समतलीय यौगिक में हम लोगों ने MA4 में नहीं होती है, MA3B में नहीं होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा MA2B2, इसमें होती है, MA2BC इसमें होती है, MA2 या फिर हम लोग कर सकते हैं MA2B2 इस प्रकार, MA2BC इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कल यहाँ तक हमारा पूरा डिस्कशन हो गया था। उसके बाद जो हमारा फोर्थ जो आता है वो है कि एक जो देखो आपका ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि इस प्रकार के यौगिक हैं कि MABCD। इसका मतलब क्या है कि जो ABCD सारे जो प्रकार के लिगेंड है वो हमारे क्या है, डिफरेंट है। AB अलग है, BB अलग है, CB अलग है, DB अलग है। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, प्रदर्शित होती है और तीन समावयवी क्या होते हैं, बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो हम समझेंगे। देखो हम लोग का मेटल, हम लोग एक फिक्स ले लेते हैं जो भी हमें मेटल लेना है। ठीक है, इसमें ज्यामितीय समावयवता कैसे प्रदर्शित की जाती है इसको देखने के लिए हम लोग क्या, देखो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, MA, AB, CD। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, आपकी वर्गाकार समतलीय संरचना होगी। चार लिगेंड जब क्या है, चारों क्या है आपके, डिफरेंट है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एक लिगेंड को कांस्टेंट कर लेते हैं। मान लो आपने क्या कर लिया, ए को क्या कर लिया, कांस्टेंट मान लिया। अब इसको रेफरेंस लेके दूसरे लिगेंड्स का क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ये ए जो है, ये ए किसके ट्रांस में है, ट्रांस टू सी, ये ए ट्रांस टू क्या है, सी। ठीक है, फिर दूसरी स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, एम, ए को रखो यहीं पे, इस ट्रांस कर दो किसको, बी को, तो आपके सी और डी इधर आ जाएंगे। ठीक है, तीसरी स्ट्रक्चर इसकी कैसे बनेगी कि मेटल को रखो, ए को यही रखो, और अब की बार हम लोगों ने बी, देखो ए ट्रांस टू सी कर लिया, ट्रांस हो गया किसके, सी के, ए ट्रांस टू बी, ए ट्रांस किसके हो गया, बी के, फिर क्या बचा, ओनली ए ट्रांस टू डी, तो बचेगा हमारा बी और सी, हम लोग यहाँ रख लेंगे, यानी कि यहाँ पर ए ट्रांस टू डी।
ओके, यहाँ पर एक जो आपका मेटल एक जो लिगेंड होता है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं और उसका अदर जो लिगेंड्स है उनके साथ में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, फिर हम लोग देखते जाते हैं। एक बार हम लोग ए ट्रांस टू सी कर दिया, एक बार हमने ए ट्रांस टू बी कर दिया, एक बार हमने ए ट्रांस टू डी कर दिया, तो इस लिगेंड के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर में मिल गई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो ये तीन जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतना कि ये तीन क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेंगे, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेंगे और तीन इनके आइसोमर बनेंगे। ओके, एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हो मेटल के साथ में, चारों लिगेंड बस आपको अलग अलग रखना है, एक लिगेंड को आप कॉन्स्टेंट कर दोगे उसके बाद में सारे अलग अलग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी देखो स्क्वायर प्लेनर का ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर का हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम द्विदंतुक लिगेंड ले लें स्क्वायर प्लेनर के अंदर, देखो मैंने एक द्विदंतुक लिगेंड की बात की थी, जब हमारे द्विदंतुक लिगेंड में हमने कल पढ़ा था प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो का टू, यानी कि ये किस प्रकार का हो गया, एम ए ए टू। देखो ए ए का मतलब क्या है, ए ए यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्विदंतुक लिगेंड को। अगर ए ए है इसका मतलब क्या है, सॉरी ये बी ए बी है, ए ए होगा ना तो वो तो होगा सममित के लिए, सममित द्विदंतुक लिगेंड के लिए। कौन से होते हैं सममित द्विदंतुक लिगेंड, कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है इथिलीन डायोमीन और एक होता है ऑक्सलेटो। कैसे होते हैं देखो, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सी एस टू एन एस टू सी एस टू एन एस टू, सममिति तल है ना, इसको ऐसे काटोगे आप तो एक दूसरे के दोनों मिरर इमेज भी है और इसको काटोगे कट जाएगा दो बराबर हिस्सों में। अगर कोई भी कंपाउंड को आप एक ऐसी प्लेन से काट देते हो कि वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए तो वो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, सममित। तो ये आपका क्या हो गया, सममित। ऐसे ऑक्सलेटो में होता है सीओओ नेगेटिव सीओओ नेगेटिव, इसको भी यहां से काटोगे तो ये सममित हो गया। तो ये तो हमारे दोनों क्या है, सममित द्विदंतुक है। तो द्विदंतुक का तो इन्हें क्या लिखेंगे, कैपिटल ए ए से और वो भी डबल कैपिटल ए से, वो भी किसी डबल फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है द्विदंतुक है इसलिए डबल, और ए ए क्यों लिखा है क्योंकि सममित है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइसिनेटो की, तो ग्लाइसिनेटो हमें पता है ऐसी स्ट्रक्चर होती है सी एस टू एन एस टू सी ओ ओ नेगेटिव, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इसको प्लेन से काटो कटेगा क्या, इसको अगर हम यहाँ से काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, तो दो बराबर भागों में जब नहीं बटेगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें सममिति तल नहीं है, सममिति तल नहीं है तो ये असममित है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, असममित। तो असममित द्विदंतुक लिगेंड के लिए हम लोग लिखते हैं ए बी, हम लोग कैपिटल में क्या लिखते हैं, ए बी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इसका जो संरचना सूत्र होता है, जो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला होता है, जो वो क्या होता है, मेटल के साथ में द्विदंतुक लिगेंड कितने जुड़े हैं, दो। इसमें हम लोगों ने कल देख लिया था सिस्टेंस बना था, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि हम लोग और कैसे मतलब दिखा सकते हैं, अगर हमारा दो द्विदंतुक लिगेंड है तो ये बन गया, अगर हमारा एक द्विदंतुक लिगेंड हो वो भी सममित, जैसे एम ए ए। और एक चीज याद रखना, जो द्विदंतुक लिगेंड होता है उसमें वो कितने बॉन्ड बना सकता है, एक साथ में दो, एक साथ में कितने लिगेंड बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसने दो बॉन्ड बना लिए, अब हमें कितने चाहिए, दो ही और चाहिए, यानी कि हम लोग कर देते हैं ए टू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो द्विदंतुक लिगेंड है और ये नॉर्मल लिगेंड एक दंतुक वाले, तो अगर इस प्रकार की संरचना हुई हमारी तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेंगे, यानी कि अगर हमारा यहाँ पे मान लो इथिलीन डायमीन हो गया, यहाँ पे हमारा सीएल टू हो गया, ये दोनों सेम हो गए और इथिलीन डायमीन सममित हो गया, तो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके दो अलग अलग संरचना सूत्र हम लोग नहीं बना सकते, एक ही स्ट्रक्चर बनेगी उसकी, ठीक है। फिर अगर मान लो ऐसे हो जाए कि मेटल के साथ द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हैं और ये जुड़ा है ए बी, तो पॉसिबल है क्या, मेटल के साथ द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हैं और ये क्या जुड़ा है आपका ए बी, यानी अलग अलग प्रकार का जुड़ा है। तो देखो बना के देख लो आप चाहे कि प्लेटिनम के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, इथिलीन डायोमीन और एक क्लोरीन जोड़ दिया, एक ब्रोमीन जोड़ दिया, ऐसे कर लिया, ठीक है।
तो इथिलीन देखो द्विदंत क्लोरीन को शो करने का तरीका क्या होता है, एक तो आपने क्लोरीन जोड़ दिया, एक आपने क्या जोड़ दिया ब्रोमीन जोड़ दिया। इथिलीन डायमीन को शो करने का तरीका क्या होता है, इथिलीन डायमीन में डोनर आइटम कौन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन और इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, इन दोनों ने इसको बॉन्ड दिया है, ठीक है ना, एक ही लिगेंड है ये, और इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या है CH2CH2 है, तो ये इस प्रकार से इनको क्या करते हैं एक साथ में, इनके साथ में ऐसे लगाते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है जुड़े हुए हैं पीछे, इसलिए इनको आपस में क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या, अगर मान लो सपोज करो मैंने Br को यहाँ रख दिया और Cl को यहाँ ले आई, कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं होगा इधर n, देखो क्या फर्क होगा अगर मैंने यहाँ पे n के साथ सामने Br, n के सामने Cl है, अगर मैं इस Br को ऊपर और Cl को नीचे ले आई तो क्या फर्क पड़ेगा, n के साथ सामने तो वही Cl होना है और n के सामने वही Br होना है, तो मतलब ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताना जरा कि अगर इसमें और हम लोग एक दंतुक लिगेंड्स का कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो हमारा आ जाए एम ए बी, अब की बार ए बी का मतलब क्या हो गया कि द्विदंतुक लिगेंड है लेकिन वो कौन से अलग अलग है, यानी कि इस प्रकार का ये द्विदंतुक लिगेंड है ग्लाइसिनेटो वाला, ठीक है, तो ए बी और ए टू, यानी कि इसमें हमने क्या कर दिया एम, ये हमारा ए कैपिटल में लिखेंगे ए बी और ये हमारा ए, ये हमारा ए। अब बताना जरा पॉसिबल है क्या, अब मुझे ये बताना इस ए के ट्रांस में ये ए है, इसके बी में ट्रांस में ये ए है, सुनना अगर हम दूसरा इसका बनाएंगे तो दूसरा बनाएंगे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, इसको हम इधर लेके आ सकते हैं, यही तो करेंगे ना। अब दूसरा आप बना के देखो, इस ए को आप यहाँ ले आओ, इस ए को आप वहां भेज दो, क्या फर्क पड़ा, ए और ए तो ये है सेम ही तो है दोनों, जब दोनों लिगेंड्स आपके यहाँ पे सेम आ जाएंगे तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद एक आपका फोर टाइप और बचता है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, वो देखो कैसे होगी, वो आपका टाइप आ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ क्या है कि अगर मेटल के साथ हम द्विदंतुक लिगेंड भी ले ले, ठीक है, और हम लोग अलग अलग लिगेंड भी ले ले, अलग अलग लिगेंड जैसे ए ले लिया बी ले लिया। अब देखो द्विदंतुक लिगेंड हो गया, ये कैसा है असममित प्रकार का और ये कैसा है अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। अब देखना मान लो हम इसका एग्जांपल लेते हैं प्लेटिनम, द्विदंतुक लिगेंड में ग्लाइसिनेटो और एक आपने ले लिया सीएल, एक आपने ले लिया बीआर, ठीक है ले लिया, तो ग्लाइसिनेटो पे होता है माइनस वन चार्ज, इस पे भी माइनस वन, इस पे भी माइनस वन, ये उधर जाएगा प्लेटिनम थ्री हो जाएगा, आप ये कर दो माइनस का, ठीक है। अब देखो चार्ज आपको एक बार नहीं देखना है बैलेंस करना, बस आपको ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी। अब देखना इसमें आप पहली संरचना बनाओगे, प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो के अंदर दो एटम होते हैं, ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर कैसी बताई थी हमने, NaCH2 NH2 C डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पर O डोनर आइटम होता है N डोनर आइटम होता है, तो हम ऐसे बना सकते हैं ना N और O और इसको हम लोग मिला सकते हैं, कर सकते हैं। अब इधर की साइड हमने क्लोरीन ले लिया, इधर की साइड हमने क्या ले लिया ब्रोमीन ले लिया, ले लिया। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी, क्योंकि देखना यहाँ पर मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे आप लोगों ने नाइट्रोजन रखा है, ये आपका क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, तो एक बार क्या हो गया इसको आप कांस्टेंट मान लो, इस नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन को आपने क्या कर लिया वॉचर, तो एक बार क्या हुआ इस नाइट्रोजन के ये क्या है Br, क्या हो गया जस्ट क्या हो गया ट्रांस, या फिर Cl को मान लो, एक लिगेंड्स को मान लो, तो एक बार क्या हो गया इस प्रकार से। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है,
हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको वही रखेंगे। बीआर को आप क्या लेंगे ऊपर, सीएल को नीचे ले आए। अब देखो अभी क्या था, ये दोनों अपोजिट थे, एन बीआर के अपोजिट में था, ओ सीएल के अपोजिट में था ना, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई इसकी, ट्रांस। लेकिन अभी देखो क्या हुआ, अगर इसकी बात करें तो ओ जो है वो बीआर के क्या हो गया अपोजिट में, और एन सीएल यानी ओ और जो सीएल पहले अपोजिट थे वो दोनों क्या हो गए, पास पास में आ गए। ऐसे ही एन और बीआर जो एक दूसरे के 180 पे थे वो वापस से 90 पे आ गए। तो बताना जरा ये कौन सा हो जाएगा आपका, सिस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपके ज्यामिति समानता प्रदर्शित करेगा। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ आपको लिखना कैसे है। आप लोगों ने लास्ट जो आपका ये वाला ग्लाइसिनेटर 2 वाला आप लोगों ने लिखा होगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये वाला लिखना है कि द्वित, अच्छा इससे पहले मैंने एम ए बी सी डी वाला लिखवा दिया, तो एम ए बी सी डी वाला स्ट्रक्चर बना लोगे, एक को कॉन्स्टेंट रख के 3000 स्ट्रक्चर बना लोगे आप लोग, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर बनवाई है वो बनवा लेना। उसके बाद आप लोग नीचे क्या लिखोगे कि जब हमारा एक एक क्या हो, द्विदंतुक लिगैंड उपस्थित हो, एक द्विदंतुक लिगैंड, ठीक है, एक द्विदंतुक लिगैंड उपस्थित हो, तो एक द्विदंतुक लिगैंड हो गया, तो उसमें चार पॉसिबिलिटी है। एक द्विदंतुक लिगैंड में दो सेम लिगैंड आ जाए, एक द्विदंतुक लिगैंड में दो अलग अलग आ जाए, एक असममित द्विदंतुक लिगैंड में दो सेम आ जाए, और असममित द्विदंतुक लिगैंड में दो अलग अलग आ जाए। चारों पॉसिबिलिटी बनाओगे, उसमें से तीन पे आप कांटा लगा दोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, तो इनका आपको कोई पूछेगा भी नहीं, नहीं होती है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोग देख लेना, इसमें होती है, तो ये आपके चतुष्फलकीय यौगिकों में भी लिख रखा है, चतुष्फलकीय यौगिकों में ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख लोगे, उसके बाद नहीं चतुष्फलकीय यौगिकों में नहीं है, मतलब उसमें ऑप्टिकल है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। अभी तुम लोग बस इसमें इतना लिख लेना कि वर्गाकार समतलीय के अंदर ये वाला होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग की आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। मतलब क्या है, मेटल के साथ में कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6 लिगेंड। अब देखो अगर मेटल के साथ सारे के सारे लिगेंड 6 समान है तो बताओ प्रदर्शित करेगा क्या। अगर मेटल के साथ जुड़ने वाले सारे लिगेंड समान है तो सारे लिगेंड समान है तो ज्यामिति क्या होगी, समान ही बनेगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया आपका, सारे क्या हो गया, सेम, यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एम ए फाइव बी पहला, दूसरा, अब इसमें बताना 5 लिगेंड सेम है, एक ही डिफरेंस है, तो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद तीसरी केस हो जाए कि एम ए फोर बी टू, इसमें पॉसिबल है, इसमें कैसे पॉसिबल है, 4 लिगेंड आपके सेम है, 2 क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। अब 2 डिफरेंस हो गए तो देखो स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकती है। इसमें मान लो आप लोग एग्जाम्पल ले लो पहले ही, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल प्लैटिनम, नहीं प्लैटिनम आपने ले लिया, जैसे कोबाल्ट NH3 4, कितने हो गए, 4 हो गए, और Cl2, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, ओके ये एग्जाम्पल ले लेंगे तो इसमें अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे पॉसिबल होगी वो देखना। हमने क्या किया, ये लिया कोबाल्ट बनाया बीच में और NH3 बनाए 4, तो 1 2 3 4 पे हमने क्या लगा दिए, NH3, एक Cl आप ऊपर लगा दो, एक Cl आप नीचे लगा दो, एक तो ये बन सकती है इसकी संरचना। एक इसकी संरचना कैसे बना सकते हैं, हम लोग जो हमारे 4 NH3 हैं उनको हम एक लाइन में लिख दिया और फिर Cl और Cl लगा दिया, दो संरचनाएं पॉसिबल है ना। अब ये जो है ना एक दूसरे के Cl क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, 180 डिग्री पे है, तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, ट्रांस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांस। और यहाँ पर Cl एक दूसरे के एक ही साइड में है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस। तो यहाँ पर दो ज्यामितीय संभव, दो स्ट्रक्चर संभव है, सिस और ट्रांस।
सी स्ट्रक्चर में दोनों आपके पास पास में हो गए और ये क्या हो गए दूर दूर में। तो आप लोग इसमें लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और कितने आइसोमर बनेंगे दो सिस और ट्रांस दो बनेंगे। कौन कौन से सिस बनेंगे और एक क्या बनेगा आपका ट्रांस। इतनी बात हो गई कि एम ए फोर बी टू हो गया। अब हम लोग क्या कर ले फोर टाइप ये मैं रफ कर दू फोर टाइप हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग ने लिया मेटल ए थ्री और बी थ्री इसका मतलब बताओ क्या है। इसका मतलब है कि मेटल के साथ में तीन लिगेंड सेम जुड़े और तीन लिगेंड सेम जुड़े हैं। ये भी क्या दिखाता है समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है अब इसमें कैसे समावयवता प्रदर्शित होगी वो देखो इसमें भी प्रदर्शित होगी तो हम इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं सीओ। अब की बार हमने एनएससी को कितना ले लिया तीन और सीएल को कितना कर लिया तीन ऐसे कर लिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखना कि कैसे पॉसिबल है। आप लोग स्ट्रक्चर बनानी शुरू करते हैं सीओ इसमें देखो ऑक्टेहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे बनती है ये ऑक्टेहेड्रल स्ट्रक्चर है ये भी ऑक्टेहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दो समावयवी कैसे बनते हैं कि अगर मान लो हमारे तीनों लिगेंड ये जो तीनों लिगेंड है वो एक ही फेस पे प्रेजेंट हो। देखो ऑक्टेहेड्रल में ये फेसेस हैं तो इसके अंदर मान लो एक ही फेस पे जैसे मान लो ये सीएल यहां पर है ये सीएल यहां पर है ये सीएल यहां पर तो हम लोग कैसे करेंगे इसमें ध्यान से देखना देखो फेस कैसे बनाते हैं कि यहाँ पर जो इनके ऊपर एपिक्स है जो इनकी चोंच निकली है वो उनको मिला दो इसको मिला दिया ठीक है इसको मिला दिया ओके और इनको भी मिला दिया तो ये ऊपर की तरफ एक क्या बन गई फेस ऊपर की तरफ। ऐसे यहाँ पर मना यहाँ पर हमारे तीन तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया एन एस थ्री तो इनकी भी फेस मिलेगी तो ये फेस मिल गई ये फेस इनकी मिली हुई है और इससे क्या हो गई ये फेस है ठीक है तो एक फेस ये हो गई एक फेस ये हो गई यानी कि समान प्रकार के जो लिगेंड हैं समान प्रकार के लिगेंड हैं वो एक फेस पे एक फलक पे उपस्थित हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फेसियल आइसोमेरिज्म फेसियल आइसोमर फेशियल वो वाला फेशियल नहीं दूसरा फेशियल मतलब क्या है फेस के ऊपर ठीक है कि ये फेस पे है एक फलक पे है ठीक है इसको फेशियल आइसोमर बोलते हैं। और अगर फेशियल आइसोमर नहीं है उसके अलावा अगर कोई भी अरेंजमेंट है इस प्रकार के सूत्र में तो वो क्या हो जाएगा मेरिडियोनल वो क्या हो जाएगा मेरिडियोनल इसको हिंदी में बोलते हैं फलकीय है, मेरिडियोनल को बोलते हैं रेखांशिक ठीक है। अब देखो मेरिडियोनल कैसे बनता है अगर मान लो हम लोगों ने क्या किया सीएल सीएल और एक सीएल को यहां ना लगा के यहां लगा दिया ठीक है ऐसे ही मान लो एक एनएस थ्री और एनएस थ्री किया और एक एनएस थ्री को हमने क्या लगा दिया यहाँ। अब मुझे बताना एक फेस पे ये क्या हो गया डिफरेंट आ गया इधर से फेस ले तो ये क्या आ गया डिफरेंट आ गया यानी कि यहाँ पर फेशियल नहीं बन रहा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे फेस में त्रिकोण नहीं बन रहा इसका मतलब ये क्या है मेरिडियोनल। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं एफ ए सी और इसको लिखते हैं एम ई आर मर मरना मतलब मरना नहीं मेरिडियोनल ठीक है इसका इंग्लिश में होता है मेरिडियोनल और हिंदी में होता है रेखांशिक ओके तो ये आपके क्या हो गए आइसोमर हो गए इसमें भी क्या हो गए छह के हो गए। अब अगर बात करते एम ए टू बी फोर फिर वापस से वही चला जाएगा ये वाला ही है ना देखो अब इसको कम करो एम ए टू बी फोर करोगे तो वापस से वही चला जाएगा ना ये वाला ही ए टू बी फोर कर दो चाहे ए फोर बी टू कर दो बात तो वही है यानी ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इनमें क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इसमें आपको सिस ट्रांस वाला देख लेना है सिस ट्रांस वाले में पॉसिबल है और फेशियल मेरिडियोनल वाले में पॉसिबल है। अब अगर हमारे द्विदंतुक लिगेंड भी आ जाए ठीक है ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी द्विदंतुक लिगेंड आ सकते हैं तो अगर द्विदंतुक लिगेंड्स आ जाए तो भी हमारे क्या है पॉसिबल है। तो आपके द्विदंतुक लिगेंड्स के साथ में
द्विदंतुक लिगेंड, जैसे कि मान लो हमारा ए ए प्रकार का, ये ए ए प्रकार का मतलब क्या है, सममित प्रकार का, ठीक है। तो ये ए ए प्रकार का जो द्विदंतुक लिगेंड है वो और दो हमारे क्या आ जाए, डिफरेंट लिगेंड आ जाए, ये बी टू लिख लो, ए टू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेटल के साथ द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हैं दो, और ए जो आपके सममित, सॉरी सममित नहीं, एक द्विदंतुक लिगेंड है वो भी कितने जुड़े हैं, दो, और दोनों क्या है, सेम है। तब हमारे क्या होंगे, तो देखो ये हमने क्या बनाया, मेटल और द्विदंतुक लिगेंड बनाए, यहाँ पर क्या बनाया हमने, इथिलीन डायमीन बनाएंगे। तो इथिलीन डायमीन बना लो चाहे हम लोग ऑक्सलेटो बना लो, ठीक है, दोनों में क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब देखो कैसे पॉसिबल होगा, हमने क्या किया, इथिलीन डायमीन बनाया, तो एन एन इस प्रकार से, ठीक है, और दो है तो आपने क्या किया, इधर भी एन और एन, ये भी आपका इथिलीन डायमीन हो गया। हम लोग किसका बना रहे हैं, कि कोबाल्ट के साथ में EN का 2 और Cl2, इस कॉम्प्लेक्स का हम लोग बना रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम लोग बना रहे हैं तो इसके साथ में NN और NN, और देखो एक Cl को आप यहाँ रख दो, एक Cl को आप यहाँ रख दो, तो अब मुझे बताना ये क्या बन गई, कौन सी पोजीशन लग रही है आपको, ट्रांस लग रही है ना, दोनों Cl एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब आप लोग इसका दूसरा सिस कैसे बना सकते हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ट्रांस। सिस कैसे बन सकता है, आपने क्या लिया, कोबाल्ट लिया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या रखा, एन एन, और एक आपने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर इसमें जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, और सीएल और सीएल, यानी कि इथिलीन डायमीन एक यहाँ जुड़ा है और एक इथिलीन डायमीन आपका यहाँ जुड़ा है, ठीक है। तो एक इथिलीन, तो यहाँ पर देखो दोनों, ये दोनों पास पास में जुड़े हैं, ये दोनों पास पास में जुड़े, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बन गई, इसकी सिस स्ट्रक्चर बन गई। तो इस प्रकार से द्विदंतुक लिगेंड्स युक्त यौगिकों में भी इसमें क्या है, ज्यामितीय समानता संभव है। तो ये आप लोग लिख के और ये एग्जांपल आप लोग अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाशिक समावयवता, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे योगिक क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इतने आप आज के चैप्टर के अच्छे से नोट्स वगैरह बनाइए, ठीक है।